हम लोग बिपिन चंदा की बुक देख रहे हैं और चैप्टर 38 जो इस बुक का लगभग जान आप कह सकते हो, हर्ट एंड माइंड एंड साउल ऑफ दिस बुक चैप्टर 38, जिसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो लॉन्ग रन स्ट्रेटजी है, क्या क्या टैक्टिक्स थी, क्या क्या स्ट्रेटजीज थी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो कॉलोनियल रिजीम था उसमें एक हेजोमेनी के टर्म को हमने देखा था। अभी हम उससे रिलेटेड जो स्ट्रेटजी अपनाई थी ना, हमने इससे पहले देखा कि जो भारत में जो भी आंदोलन हुए इसमें मासेस का पार्टिसिपेशन था। अब मासेस का पार्टिसिपेशन होने का यह मतलब है कि मासेस तभी पार्टिसिपेट करती हैं जब उनका लीडर एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी टैक्टिक्स, अच्छी प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से चले। मासेस का ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका कितना शोषण हुआ, आपका कितना डोमिनेशन, आपको कितना दबाया गया है, बल्कि इस पर भी बात किया गया कि स्ट्रेटजी क्या थी, प्लानिंग क्या थी, टैक्टिक्स क्या थी। तो वो टैक्टिक्स हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये जो बुक है 500 पेजेस के आसपास बाद जो हम लोग पहुंच गए हैं उसमें आप देखने की कोशिश करेंगे तो पहले जो एक बहुत बड़े, क्योंकि बिपिन चंदा सर मार्क्सिस्ट हैं, आपको याद रखना, जो इतिहासकारों की चेयर है उनको बिपिन चंदा उसमें लेफ्ट का दर्जा दिया जाता है, तो इसलिए ये एक टर्म का यूज करते हैं, वो है वार ऑफ पोजिशन। क्या है वार ऑफ पोजिशन? आप पूछोगे भाई ये वार ऑफ पोजिशन क्या है, तो ये टर्म एक्चुअली यूज बहुत ज्यादा यूज किया गया था एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनको पॉलिटिकल थॉट में पढ़ाया जाता है, एंटोनियो ग्राम्सी। क्या नाम है उनका? एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक है, एस है तो वो SCI, ठीक है, एंटोनियो ग्राम्सी। ये इटली के बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर होते हैं। ये ज्यादातर टाइम जेल में रहते हैं और मुसोलिनी का बहुत ये विरोध करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? न्यू मार्क्सिस्ट कहा जाता है। क्या है? न्यू मार्क्सिस्ट थे ये। ठीक है, तो एंटोनियो ग्राम्सी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है इनके अपने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल, चूंकि हम देख रहे हैं। आप ये जानो कि भारत में अगर आपसे कोई पूछे कि रशिया जैसा रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, तो उसका जवाब एंटोनियो ग्राम्सकी के टर्म में भी आप दे सकते हो, क्योंकि जो एंटोनियो ग्राम्सकी है ये मार्क्सिस्ट ही है, लेकिन ये सभी मार्क्सिस्टों को चेतावनी देते हैं कि देखो सिर्फ तुमने केवल एक ही देश में रेवोल्यूशन करा पाए तुम लोग, वो भी रशिया में, और रशिया के अलावा कोई आपको ऐसा एग्जांपल मिलता है जहां पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया हो एक ही झटके में, जारिस्ट एम्पायर जो है तहस नहस हो गया, ऐसा इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। तो वो ये इसलिए एक लॉजिक देते हैं कि जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, उन्होंने जो दुनिया को या जो क्लासेस हैं उनको दो वर्गों में डिवाइड किया था, एक बुर्जुआ एक प्रोलिटेरियट, और ये जो तीसरे वर्ग का बात करते हैं वो है सिविल सोसाइटी। क्या है? सिविल सोसाइटी पर ये जोर देते हैं। ये कहते हैं जहां पर सिविल सोसाइटीज है ना, जहां पर बीच के प्रेस है, जहां पर सिविल सोसाइटीज का मतलब आप समझ रहे हो ना, जहां पर छुटपुट लोगों के क्लब हैं जो रेसिस्ट करने वाले हैं, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा डेमोक्रेसी जिंदा है, जैसे वेस्टर्न यूरोप का आप मॉडल ले लो, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, इन लोगों में क्या है कि सिविल सोसाइटीज का हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा, प्रेस का, मीडिया का रोल रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ऐसी जगह पर जो रेवोल्यूशन होगा वो हमेशा पैसिव होगा। क्या होगा? पैसिव होगा या फिर ग्रेजुअल होगा, ठीक है। तो आप देखो जो भारत का भी तो यही केस हो रहा है, भारत में जो रेवोल्यूशन हुआ वो कैसा है? एक्टिव रेवोल्यूशन है क्या? नहीं, भारत में एक्टिव रेवोल्यूशन नहीं है। हालांकि कोशिश की गई भगत सिंह जैसे लोगों के द्वारा, गदर मूवमेंट में ऐसा हमें देखने को मिलता है, कई सारे और क्रांतिकारी आते हैं जो रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित रहते हैं, लेकिन फिर ये क्या हो जाता है, भारत का मूवमेंट हमेशा ग्रेजुअल चला है 1947 तक। इसीलिए ये जो वार ऑफ पोजिशन है इसको हम बिपिन चंदा 2-3 पेजेस इस पर लिखते हैं, और वो यही कारण है कि ये भी मार्क्सिस्ट है और बिपिन चंदा हिमसेल्फ इज अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। हालांकि हमें उस डिबेट में नहीं जाना है, जरूरत यह है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भारत का भी स्ट्रगल क्या है वो ग्रेजुअल चल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में भी तो सिविल सोसाइटीज हैं। देखो प्रेस है, ठीक है, प्रेस का अलग काम है, लोग किताबें लिख रहे हैं, दादा भाई नरोजी जैसे क्या लिख रहे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिख रहे हैं, कोई अनहैप्पीनेस इंडिया लिख रहा है, इतने पत्र पत्रिकाएं, मराठा, तिलक जैसे लोग लिखते हैं, ठीक है, तो बड़ा ही ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। तो ये आप समझने की कोशिश करें, ये 20th सेंचुरी के काफी बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं। तो अभी ये वारा पोजीशन को हम लोग समझ लेते हैं। वारा पोजीशन में यही है कि इससे पहले हम लोगों ने हेजोमेनी के टर्म को समझा है ना,
हेजोमनी में क्या होता है कि भारत के लोगों ने मान लिया है कि अंग्रेज जो बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, अंग्रेज जो लिखते हैं वो अच्छा लिखते हैं, जो खाते हैं वो अच्छा खाते हैं, उनकी लैंग्वेज अच्छा है, वो गोरे हैं, वो वाइट हैं, हम लोग कुछ है ही नहीं है। तो यही हेजोमनी हो गया। हेजोमनी हमेशा कल्चरल होता है ना, आपको मैंने इससे पहले बताया है, कल्चरल हेजोमनी का पूरा ये कॉन्सेप्ट होता है, कल्चरल डोमिनेशन, कि भारत के लोगों ने कहा अरे अंग्रेज तो हमारे माई बाप है, ठीक है, वो इनविंसिबल है, उनको तो अजय है, वो हराया नहीं जा सकता। लेकिन फिर एक बंदा आता है जिसका नाम है गांधी, ठीक है, वो गांधी लोगों को विश्वास दिलाता है, ठीक है, गांधी लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि भाई आप लड़ सकते हो, आप एक सिविलाइजेशन हो, क्या हो, आप एक सिविलाइजेशन हो। इसीलिए आप देखो गांधी हमेशा राम राज्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं गांधी। गांधी हमेशा इवन गांधी वर्ण सिस्टम को भी अपहेल्ड करते हैं, ठीक है, गांधी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बात करते हैं, गांधी खादी की बात करते हैं, ठीक है, गांधी जो ट्रेडिशनल इंडियन लिविंग की बात करते हैं, गांधी एनवायरमेंट की बात करते हैं, गांधी भगवत गीता की बात करते हैं, गांधी रामराज्य की बात करते हैं। तो देखो ये अपने कल्चरल हेजोमेनी को गांधी लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि तुम खुद एक सिविलाइजेशन हो, तुम लड़ सकते हो, अपनी पोजीशन को इंटैक्ट करो, अपनी पोजीशन को इंटैक्ट करो, तभी तुम जो वेस्टर्न यूरोपियन का हेजोमेनी है उसको काउंटर कर सकते हो। यही है हमारा पोजीशन। इसी पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चैप्टर 38 में लिखा गया है, ठीक है, ग्राम्स्की, एंटोनियो ग्राम्स्की का, इसलिए ये पहला चीज हमने डिस्कस किया। अभी दो तीन और स्ट्रेटजीज हैं, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी जो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में हमें देखने को मिलती है, वो है STS। अब आप पूछोगे ये क्या है, ये तो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। एस का मतलब स्ट्रगल, क्या है स्ट्रगल, ट्रूथ, ट्रूथ का क्या मतलब होता है, युद्ध विराम, हिंदी में इसे युद्ध विराम कहते हैं, और तीसरा क्या है, फिर स्ट्रगल। तो आप देखो भारत के जितने भी आंदोलन हुए, ठीक है, कोई सा भी भारत का आंदोलन ले लो, आप कहीं से भी उठाओ, चाहे 1920 से 22 का दौर हो, 1930 से 34 का दौर हो, या फिर 42 से 45 का दौर हो, इसमें सबके बीच में आपको एक ट्रूस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ट्रूस मतलब युद्ध विराम। तो ये हमेशा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक स्ट्रेटजी रही है, ये एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक विशेषता रहा है, इसी को चैप्टर 38 में लिखा गया है। तो इसमें हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि ये जो स्ट्रेटजी है इसके एलिमेंट्स क्या है। देखो ये हमेशा कहते हैं बिपिन चंद्र राइस, एंड कोई भी हिस्टोरियन हो, अगर इस स्ट्रेटजी पे तो कई सारे लोग लिखते हैं, और आपकी ऑन पॉलिटिकल थिंकिंग और आपकी अपनी भी चेतना हो सकती है, ये मूवमेंट हमेशा शुरू होता है, ठीक है, मासेस को क्या किया जाता है, उनको कॉन्ग्लोमरेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उनको पॉलिटिकली एक्टिव किया जाता है, क्या किया जाता है, पॉलिटिकली एक्टिव किया जाता है, और एक कन्फ्रंटेशन शुरू होता है, ठीक है, कन्फ्रंटेशन होता है, लेकिन ये पैसिव कन्फ्रंटेशन होता है, एक्टिव कन्फ्रंटेशन नहीं होता। कभी ये जो मूवमेंट है स्ट्रगल, ये कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं कन्वर्ट होता, आपको ये याद रखना है, कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, ठीक है, या फिर अगर हो भी गया, जैसे चोरी चोरा में हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया, विड्रॉ कर लिया गया। जहां भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात होती है ये स्ट्रेटजी, वहां पर गांधी जी अपना मूवमेंट विड्रॉ कर लेते हैं, गांधी जी अपना मूवमेंट विड्रॉ कर लेंगे जहां कहीं भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अगर ब्रिटिश अंपायर के साथ होगा तो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको रफ कर रहा हूं, फिर इसी में और चीज डिस्कस करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये स्टेजेस में चलता है, ठीक है, ये जो STS है इसका हमेशा स्टेजेस में चलता है, और ये अपवार्ड स्पाइरल है, ठीक है, कैसा है, अपवार्ड स्पाइरल है। अब पूछोगे ये अपवार्ड स्पाइरल का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो कंसेशन मिलते हैं, जैसे भारत में कोई भी आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद कुछ कंसेशन ब्रिटिश की गवर्नमेंट देती है, ठीक है, कंसेशन मतलब कोई ना कोई रिफॉर्म ले आती है, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, कोई कानून हो, चाहे एक्ट ऑफ 1935 हो, चाहे एक्ट ऑफ 1930, ठीक है, कोई भी हो, मार्लेमेंटो रिफॉर्म हो, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तब आया, ठीक है, गदर मूवमेंट हुआ, होम रूल हुआ, तो 1919 का जो है एक्ट आया, ठीक है, ये सारी चीजें होती रहती है। तो या तो पॉलिटिकल कंसेशन मिलता है या तो इकोनॉमिक कंसेशन मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कंसेशन भी मिलता रहता है, और जैसे जैसे ये मूवमेंट 1942 के आसपास तक आता जाता है ये कंसेशन बढ़ता जाता है। आप देखो पहले 1909 में केवल एक बंदा जाता है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में,
लेकिन 1942 में 45 में आते आते वेवल हाथ जोड़ लेते हैं, भैया सभी इंडियन रहना, तुम ही लोग रहना, बस हम और हमारे कमांडर इन चीफ रहेंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन आ जाता, कहता तुम ही लोग रहोगे। माउंटबेटन प्लान आ जाता, कहता लो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। तो जहां पर 1909 में केवल एक बंदा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, धीरे धीरे देखो इंडियन का कंसेशन, पॉलिटिकल कंसेशन हमेशा बढ़ता जाता है। तो आपको ये याद रखना है। तो एसटीएस को पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई भारत में कोई ऐसा मूवमेंट क्यों नहीं हुआ जो डायरेक्ट हो, मतलब तब तक चलता हो जब तक हमें फ्रीडम स्ट्रगल ना मिल गई हो। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको बताता हूं। इसको कहते हैं एसवी, इसको नेहरू ने लाने की कोशिश की थी इस स्ट्रेटेजी को कि स्ट्रगल शुरू करो और तब तक करो जब तक विक्ट्री ना मिल जाए। आपको पता ना जब नेहरू का पूर्ण स्वराज वाला हमने देखा था, तो वहां पर इसको भी, इस स्ट्रेटेजी को भी नेहरू में, जब हम लोगों ने नेहरू को एक्सटेंसिव देखा है, तो वहां पर एस और बी को भी हमने डिटेल में देखा है कि नेहरू कहते हैं एक स्ट्रगल शुरू करो और जब तक विक्ट्री ना हो जाए तब तक रुकना नहीं, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना। क्या करना? डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना। लेकिन ये जो प्लानिंग होती है 1937 के बाद ये पूरी तरह से फिर बिखर जाती है। क्यों 1937 में बिखर जाती है? क्योंकि नेहरू क्या होते हैं, वो डिफेक्टो हेड चुनने जाते हैं, वो गवर्नमेंट चलाने लगते हैं, और कोई भी बंदा गवर्नमेंट चलाएगा और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी कर देगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए 1937 के बाद जो नेहरू की एस और बी वाली टैक्टिक्स होती है ये फिर से एस टी एस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर से गांधी जी जो 1934 में रिजाइन दे देते हैं, वो फिर से कांग्रेस में आते हैं, फिर से कांग्रेस में उनको कमान दी जाती है और वो फिर से इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एसटी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एसटीएस के दौरान दो तीन चीजें आपको और भी देखने को मिलती है, अगर ये कभी जो एसटीएस है इस दौरान अगर पॉलिटिकल कंसेशन मिल रहा है या निगोसिएशन हो रहा है, ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन किया जाता है हमेशा कांग्रेस को कि कांग्रेस हमेशा क्या चाहती है, निगोशिएशन पर है। हमेशा जो कम्युनिस्ट होते हैं या लेफ्टिस्ट होते हैं वो इस बात पर क्वेश्चन करते हैं कि कांग्रेस हमेशा निगोशिएशन कर लेती है ब्रिटिश अंपायर के साथ जो गलत करती है, और उसी का परिणाम ये भी है कि पार्टीशन हो गया, लोग यही कहते हैं। ठीक है, कि हमें कोई क्या पता, हमें कोई मास रेवोल्यूशन खड़ा करना चाहिए था रशिया की तरह, ठीक है, तो वो तो हो नहीं पाता है। तो निगोशिएशन को हिस्टोरियन इस तरह से कहते हैं कि जो भाई निगोशिएशन है इसको कॉपरेशन ना समझा जाए। निगोशिएशन करने का मतलब कॉपरेशन नहीं होता है कि हम ब्रिटिश के सरकार के खिलाफ लॉयल हो गए हैं। हम निगोशिएशन करते भी तो कितने दिन के लिए, फिर हम दो साल बाद नया मूवमेंट शुरू कर देते हैं, नया नया कोई क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, इसको कॉपरेशन ना समझा जाए। अगर इस दौरान आपको कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस ब्रिटिश के साथ निगोशिएशन कर रही है तो दैट इज नॉट निगोशिएशन, दैट इज कॉपरेशन, सॉरी दैट इज नॉट कॉपरेशन। ठीक है, वो कॉपरेशन नहीं है, उसको आप ऐसा मत समझो कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहे हैं हम जाके कॉपरेट करने लगे, उनके लॉयल बन गए, नहीं लॉयल नहीं बने हम उनके, ये आपको याद रखना है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है उसको आप एस टी, एस टी और एस जो हमने देखा ना, इसी के जो बीच का दौर है उसमें आप फिल कर सकते हो। इसको कहते हैं गांधी का कंस्ट्रक्टिव वर्क। क्या? गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है ना, गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, जो गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क है उस पर हम लोग बात करते हैं। गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो हमेशा भी, जब भी ट्रूस चला है ना, ट्रूस मतलब जब भी कोई युद्ध नहीं हो रहा होता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, तो गांधी जी अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क लेके चले आते हैं कि मासेस में क्या करना है, एक चेतना जगानी है, मासेस का कॉन्शियसनेस डेवलप करना है। ठीक है, खादी का प्रमोशन करना है, इंडियन कल्चर की बात करनी है, अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, इंडियन एजुकेशन की बात करनी है। ठीक है, तो ये मासेस का मोबिलाइजेशन है। क्या क्या है ये मासेस का मोबिलाइजेशन भी भारत की एक स्ट्रेटजी थी। इसीलिए देखो क्या होता है, एक ट्रूस पीरियड आता है। अब आप पूछोगे ट्रूस पीरियड क्यों आ जाता है, आखिर कोई मूवमेंट शुरू होता है तो ये थम क्यों जाता है, गांधी जी विड्रॉ क्यों कर लेते हैं? तो उसके दो कारण है, एक बहुत बड़े इतिहासकार है इसी किताब में कोट किया गया है, वो कहते हैं कि गांधी जी का मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन, मेन प्रॉब्लम ये है वायलेंस के साथ, कि अगर कहीं पर वायलेंस हो जाता है तो वो मासेस की जो मतलब जो पल्स होती है ना उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है, मासेस के अंदर एक फियर आ जाता है, क्योंकि ये गरीब किसान कितना सफर होगा यार, कितना लाठी चार्ज खाएगा, हमारे पास कोई आर्मी तो है नहीं,
ठीक है, तो एक गरीब किसान, गरीब वर्कर, आखिर देयर इज अ लिमिट टू सफर ना, लिमिट टू सफर, किस हद तक हमें सप्रेस किया जाएगा, डोमिनेशन हमारे ऊपर किया जाएगा, राज किया जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा हमें, उसका एक लिमिट है। इसीलिए हमेशा ट्रूस आता है, युद्ध विराम, कोई भी इंडियन का फ्रीडम स्ट्रगल आप देखो उसमें ट्रूस आ जाता है। दैट इज द वेरी स्ट्रेटजी ऑफ आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और जो सबसे लास्ट में है इस किताब में लिखा गया है वो है लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में जो प्रोपोगेंडा होता है, ठीक है। इसके लिए जो चैप्टर 9 है वो हमने डिटेल में ही देख लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि जो न्यूज़पेपर्स के थ्रू लिखना, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में लिखना, और जो काउंसिल में एंट्री लेना ना, काउंसिल में एंट्री लेना। अब काउंसिल में जब भी एंट्री की बात करो तो चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इनको देख रखा है, जो चैप्टर 9 था उसमें बहुत डिटेल में हमने देखा है कि इसका नाम था प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में जाकर के भारतीय राज्य की जो राजनीति है, जो भारतीय का पॉलिटिकल पैसिविटी है, उसको एक्टिव करना, ठीक है, वहां पर जाना, जितने भी कानून आ रहे हैं उनका विरोध करना। उसमें हमने डिटेल में गोखले का और फिरोज शाह मेहता को बहुत डिटेल में हमने देखा है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, खासकर जो 1907 से लेकर के 14 तक का टाइम होता है, इसमें गोखले साहब बहुत बड़े, जो बजट वजट होता है सबको, ब्रिटिश को एकदम कटघरे में खड़ा करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेटजी थी। ऐसे ही आप देखो 1924 से लेकर के आप अगर 28-29 तक देखो तो जो स्वराज पार्टी होती है, स्वराज पार्टी के लोग लेजिस्लेचर में एंट्री लेते हैं, इसमें भी दो इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखो, एक सीआर दास का, एक मोतीलाल नेहरू का, ठीक है। तो ये भी तो एक स्ट्रेटजी थी कि काउंसिल में एंट्री लेना है, लेजिस्लेचर में जाना है, और क्या है, प्रोपोगेंडा करना है, ठीक है, प्रोपोगेंडा करना है, या एक बहुत अच्छा वर्ड है हर्डल क्रिएट करना, ठीक है, क्या करना है, सिस्टमेटिक हर्डल क्रिएट करना है, हर्डल क्रिएट करना है ना, ऑब्स्ट्रक्शन, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की पॉलिसी है, ऑब्स्ट्रक्शन करना है था। कोई भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कानून बना रही जो इंडिया के लोगों के खिलाफ है तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन करना, रुकावट पैदा करना है। और यही सारी स्ट्रेटजीज हैं जो इस चैप्टर में, चैप्टर 38 में बात की जाती है। और बाद में एक और बात कही जाती है, वो है कि जो गांधी का, जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है वो वर्ल्ड के फ्रीडम स्ट्रगल से कैसे डिफरेंट है, तो उसको हम अलग से देख लेंगे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि भाई इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल बाकी सबसे कैसे अलग है, और गांधी जी का जो कैरेक्टर है वो बाकी लोग जो लोगों से अलग कैसे, गांधी जी की जो इंटरनेशनल छवि है वो कैसे है। तो ये इतना ये रखते हैं, ये चार पांच जो स्ट्रेटजीज हैं, जो टैक्टिक्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और चैप्टर 38 ऑफ दिस बुक।